ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों के बीच में बैठकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, हमको भी इसमें भाग लेने के लिए अवसर दिए, इसके लिए मैं भक्ति वेदांत गुरुकुल का आभारी हूँ। राधाकांत प्रभु हमको कहे कि गुरुकुल में आइए, थोड़े देर वहाँ रुकिए, संभव हो तो भगवान का अभिषेक कीजिए और थोड़ा सा कुछ जन्माष्टमी के विषय में बोल दीजिए। अभी जो भक्त हमको लेने के लिए गए थे तो समय बतला रहे थे कि हम लोगों को 5:30 पहुँचना है और 6:45 तक बच्चों के लिए आपको कुछ बोलना है। इसके पहले हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था, निर्विशेष रूप से जन्माष्टमी के विषय में सोच रहा था, लेकिन यह तो बच्चों का स्थान है तो हम यहाँ बच्चों के मुख से अधिक सुनने का या सुनाने का प्रयास करूंगा। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ वेद मंत्र के ध्वनि से वातावरण बिल्कुल पवित्र है, बच्चे वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उनको वेद का ज्ञान भी है। गुरुकुल की ऐसी व्यवस्था ही है कि आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और जो उत्तर दे सकते हैं वे अपना हाथ उठाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। आज का जो उत्सव है इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। और कौन कौन बतला सकता है कि इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? ठीक है, उनको दीजिए। आज के दिन अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं।
जिस नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ और उसको रामनवमी कहते हैं। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, लेकिन भगवान के जन्म के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान का जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन भगवान के जन्म के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। उस शब्द को कौन बतला सकते हैं? जन्म के स्थान पर एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, वो ठीक। भगवान जी प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे, अवतार ग्रहण किए थे। और भगवान का जन्म का कोई अवसर ही नहीं है, वे अजन्मा है और तीनों काल में है, सदा सर्वदा विराजमान है, लेकिन वे अपने को प्रकट करते हैं और इसको अवतार कहा जाता है। भगवान अपने नित्य धाम से इस मर्त्य भूमि पर, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, प्रकट करते हैं अपने को, और इसको अवतार कहते हैं। तो अब फिर अगला प्रश्न होगा कि भगवान किस लिए अवतार ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान अपने अवतार का कारण बतलाए हैं, तो कौन कौन बतला सकते हैं? हाथ उठाइए। भगवान किस उद्देश्य से अवतार ग्रहण करते हैं? दुष्टों का कल्याण करने के, दुष्टों का नाश करने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए, ठीक। और हम बोल दीजिए। फिर से इस श्लोक को बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए, सब लोग जोर से बोलिए। परित्राणाय इसमें भगवान कह रहे हैं कि सम भवामि जुगे जुगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो प्रकट होते हैं किस कार्य के लिए प्रकट होते हैं, इसी श्लोक में बतलाया गया है। पहले एक एक करके बतलाइए, एक कार्य को एक व्यक्ति बतलाइए। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधु, साधुओं के रक्षा के लिए। और दूसरा क्या कारण दे रहे हैं? आए विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों के विनाश के लिए। और एक है जैसा ये बोल रहे, धर्म संस्थापनार्थाय। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने इस श्लोक में तीन प्रयोजन बतला रहे हैं, अपने अवतार के तीन प्रयोजन बतला रहे हैं। साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। धर्म संस्थापना अर्थात धर्म के संस्थापना के लिए, स्थापना के बजाय शब्द प्रयोग कर रहे हैं एक संस्थापना के लिए, मतलब है भली भांति धर्म को स्थापित करने के लिए। और भाई फिर प्रश्न होगा, अब बच्चे बोले या सयाने बोले, सबको छूट है, गार्जियन भी बोल सकते हैं कि धर्म का क्या अर्थ होता है। भगवान कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना अर्थ है, धर्म की स्थापना के लिए हम प्रकट होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। तो धर्म का क्या अर्थ है, कौन बोलेगा? धर्म का क्या मतलब है? आप जो भी चाहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जिसको बोलेंगे, संवैधानिक स्वभाव, जैसे पानी का तरल का है,
ठीक है, जो धर्म का परिभाषा है और जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है और उसी को धर्म कहते हैं। तो यह धर्म की मूल परिभाषा है, लेकिन अब इस बात को तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग हुआ। और धर्म का व्यवहारिक रूप दिया गया है कि वेद के सिद्धांत को स्थापित करना, वेद में जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है और उसको स्थापित करना, इसको धर्म कहते हैं। वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद उपदेश देता है उसको धर्म कहते हैं। और वेद में कई एक आदेश हम लोग पाते हैं, जैसे मां हिंसा, हिंसा मत करो, अहिंसा धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, वर्णाश्रम का पालन करना धर्म है, तो बहुत बहुत धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना है, धर्म के संस्थापना के लिए, स्थापना के बजाय संस्थापना शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसका आशय यह है कि जो धर्म लुप्त हो गया है और उसको उसका प्रवर्तन करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, और जो धर्म प्रचलन में है और उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और प्रसमाय इतरस्य च, वो जो अधर्म है तो उसको दबा देते हैं। भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके उपस्थिति मात्र से धर्म दबने लगता है। बड़े से बड़े अधार्मिक व्यक्ति पर भी भगवान के प्रभाव देखा जाता है। श्रीमद् भागवतम में आप कथा सुनते हैं कि कंस बहुत क्रूर व्यक्ति था, इतना क्रूर था कि अपने बहन को मारने के लिए उद्यत हो गया। विवाह के अवसर पर बहन अपने ससुराल जा रही थी, अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, और एक फेक मैसेज सुन करके, आकाशवाणी सुन करके, और कंस अपने बहन का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी किसी तरह अपने बुद्धि के बल से, अपने उत्साह और सत्यवादिता के प्रभाव से अपने पत्नी की रक्षा किए। कंस देवकी का वध तो नहीं किया, लेकिन एक सर्प पर वध से विरत हुआ। वसुदेव जी कहे कि इसके पुत्रों को मैं अर्पित कर दूंगा, आकाशवाणी हुई थी कि इसके आठवें गर्भ से आपकी मृत्यु है। वसुदेव जी समझाए कि जो भी इसके पुत्र जन्म लेंगे मैं आपको सौंप दूंगा, इसको छोड़ दीजिए। वसुदेव जी का इतना उन्नत व्यक्तित्व था, अपने सत्यवादिता के लिए इतने प्रसिद्ध थे, स्थापित थे, कि कंस उनके बात पर विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया। और वसुदेव जी भी छोटे छोटे बच्चों को अर्पित कर दिए और कंस छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया, 6 बच्चों का वध कर दिया, 7वें गर्भ का पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। 7वीं बार देवकी गर्भवती थी तो गर्भ कुछ दिन रहा, लेकिन बाद में भगवान के आदेश से वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, लेकिन कंस को कुछ पता नहीं चला। अब जब भगवान ने देवकी के गर्भ में आए तो कंस देखने के लिए गया, और देवकी के तेज को देख करके, उसके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था और उसको देख करके वह समझ गया कि हमारा शत्रु इसके गर्भ में आ गया, हमारा शत्रु इसके गर्भ में है। अब कंस विचार करने लगा क्या करना चाहिए, और उसके मन में एक विचार आ रहा है कि देवकी का वध कर दे, हमारा शत्रु स्वतः ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान गर्भ में है और उनके उपस्थिति का प्रभाव आने लगा कि कंस का मन बदल गया, उतना क्रूर था
लेकिन खुद ही सोच रहा है कि ना ये गर्भवती स्त्री है, इसका यदि मैं वध करता हूँ तो सब लोग हमको गाली देंगे, साप देंगे, और जिस व्यक्ति की निंदा सब लोग करते हैं तो जीते हुए भी मुर्दा के समान, तो हमारा जस खत्म हो जाएगा। तो देवकी एक वध से विरत हो गए और भगवान अभी गर्भ में है, लेकिन कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति पर भी प्रभाव आ गया और अपने दूषित विचार से वह विरत हो गया। तो भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके उपस्थिति मात्र से धर्म दब जाता है। और कोई कोई महान आधार्मिक व्यक्ति है अपने वृत्ति को नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान उसका वध कर देते हैं बिना सहायक दुष्कृता। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। हम यह कह रहे थे कि धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म के संस्थापना के इसका आशय यह है कि जो धर्म लुप्त हो गया है तो उसको पुनः प्रारंभ करते हैं, उसका प्रवर्तन करते हैं, जो धर्म प्रचलन में है और उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और धर्म को दबाने वाला, धर्म से जो विरोधी और धर्म है तो उसका नाश करते हैं। और धर्म संस्थापना है, संस्थापना के अंतर्गत तीन बात को ग्रहण कर सकते हैं, लुप्त धर्म का प्रवर्तन, प्रचलित धर्म का संरक्षण और धर्म के विरोधी तत्वों का नाश, उसको दबा देना। तो यह भगवान अवतार ग्रहण करके करते हैं धर्म संस्थापना है। अब धर्म पर विचार किया जाए तो धर्म के कई स्तर हैं, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ स्वरूप की उपलब्धि है। जैसे प्रभु जी बतला रहे थे, बहुत सुंदर उत्तर दिए कि धर्म का अर्थ है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्राप्त कर लेना। इसी बात को भगवान ने भागवतम के एकादश स्कंध में बोले हैं, धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। सामान्य रूप से देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए तो वर्णाश्रम को धर्म कहते हैं, लेकिन भगवान क्रांतिकारी परिभाषा दे रहे हैं कि धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। धर्म का मतलब है हमारी भक्ति करना। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ है कि भगवान भक्ति की स्थापना के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। और भक्ति की स्थापना कैसे करते हैं, भगवान यहाँ आ करके और कुछ लीला करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, और जो व्यक्ति उन लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो उसे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेता है। भगवान के अवतार के विषय में कुंती देवी विचार कर रही हैं तो कई एक सिद्धांत दे रही हैं। आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किए, आप हमारे भाई वसुदेव के जस का विस्तार करने के लिए उनके कुल में अवतार ग्रहण किए, और उसी क्रम में कह रही हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म श्रवण स्मरणान हानि कंस्यन्ति केचन। वो अपना सिद्धांत दे रही है कि वास्तविकता यह है कि इस संसार में व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, भविष्य में कृष्य माना है, इस संसार में है जिसका भी जन्म हुआ है तो कष्ट में पड़ा हुआ है, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, या जीवन के मध्य में भी रोग का कष्ट, परिस्थिति जन्य कष्ट, और ये कष्ट है। तो कह रहे हैं कि भविष्य में कृष्य माना है, इस संसार में व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। अरे कष्ट क्यों भोग रहा है, कष्ट का क्या कारण है, तो कह रही है कि अविद्या काम कर्म भी। कष्ट भोगने का कारण है कि व्यक्ति पाप करता है, कर्म करता है, और कर्म का फल भोगना पड़ता है, और कर्म का फल मतलब दुख भोगना पड़ेगा, दुखों दर कांड कर्मानि। अब एक प्रश्न होगा कि तो व्यक्ति कर्म क्यों करता है, वे कह रही है कि मन में कामना है, भोग की इच्छा है, अब भोग की इच्छा है तो उसके लिए कर्म करता है। फिर प्रश्न होगा
कि भाई भोग की इच्छा कैसे आ गई, यही क्यों नहीं समाप्त हो जाता, तो इसका भी कारण बतला है अविद्या। हम अपने स्वरूप को भूल गए, हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो इसका हमें स्मरण ही नहीं है, इसको भूल गए, तो मूल कारण यह है। और कष्ट इस संसार में व्यक्ति भोग रहा है और उसके कारण का विश्लेषण करें तो तीन स्तर देखने को आया, अविद्या, काम, कर्म। कर्म के चलते कष्ट भोगना पड़ता है, कर्म का कारण है वासना, हृदय में भोग की इच्छा है और भोग जुटाने के लिए कर्म करते हैं, और भोग के इच्छा का मूल कारण है अविद्या, अपने स्वरूप को भूल गए। और कुंती देवी कह रही है कि भविष्य में कृष्ण माना ना अविद्या काम कर्म, इस संसार में अविद्या के चलते, कामना के चलते, कर्म के चलते व्यक्ति दुख भोग रहा है। तो श्रवण स्मरणान हानि कलिष्य नीति के चल। और कोई कोई कहते हैं कि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं कि ऐसे दुख में पड़े हुए व्यक्ति को कुछ सुनने के लिए, स्मरण के लिए विषय प्रदान करें। पर जो व्यक्ति भगवान के लीला का स्मरण करता है, उसका कीर्तन करता है, उसका श्रवण करता है, तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। और भगवान के संसार में अवतार ग्रहण करते हैं हमारे दुख को दूर करने के लिए। अब वह दुख दूर होता है भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान का स्मरण करने से। किसी प्रकार का कष्ट है तो व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि भगवान का स्मरण करे। स्मरण करने से दुख समाप्त हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम, भगवान का स्मरण करने से हमारे विपत्ति का नाश हो जाता है। तो किसी प्रकार का संकट है, किसी प्रकार की कठिनाई है, तो व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि भगवान का कीर्तन करे, भगवान की कथा का श्रवण करे। ऐसा करने से हमारा कष्ट दूर हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। इसी सिद्धांत को बढ़ाते हुए कुंती देवी स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि श्रवंति गायन विस्मरंति, जो व्यक्ति श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है या अभिनंदन करता है, जैसे भगवान की कथा का आयोजन है और कुछ लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, उनके अपना बंधन है, अपनी परिस्थिति है और उपस्थित नहीं हो सकते, अब सुन नहीं सकते, लेकिन नंदन भी अभिनंदन कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वे भी भगवान के चरण को प्राप्त कर लेते हैं। तो चाहे श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो पश्यन्ति, वे आपके चरण कमल का दर्शन करते ही हैं। और भगवान के चरण कमल का दर्शन करने का मतलब है भव प्रवाहो परम, ये जो हमारा भाव प्रवाह है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, जिसके चलते हम बार बार दुख में पड़े हुए हैं, तो वह समाप्त हो जाता है, उसका उपरम हो जाता है, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भगवान गीता में घोषणा करते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, हम धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो धर्म का वास्तविक अर्थ है भक्ति, तो भगवान भक्ति के स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। और भगवान आए हैं भक्ति की स्थापना करने के लिए, और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो वह भगवान के योजना के खिलाफ चल रहा है, योजना के विरुद्ध चल रहा है, और उस पर दोष लगेगा। इस बात को सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलते हैं, अनुग्रहाय भक्तान मानुषम देह मास्तिक भजते तादृशी क्रिया या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मनुष्यों पर कृपा करके, भक्तों पर कृपा करके, भगवान ने मनुष्य देह में स्थित हो करके और विविध प्रकार की लीला करते हैं, खास करके ब्रज में गोपियों के साथ लीला करते हैं, अपने परिकरों के साथ लीला करते हैं, और उसका उद्देश्य है कि यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्,
जिसको सुन करके व्यक्ति भगवान का आश्रित हो जाए, भगवान का परायण हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए। भवे या विधि लिंग है, भगवान के लीला सुन करके भक्त हो ही जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कोई करता है तो विधान का अवहेलना कर रहा है, उस पर दोष लगेगा। और भगवान जिस संसार में अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार के पीछे अनेक कारण है, उनका अपना कुछ व्यक्तिगत प्रयोजन है। लेकिन हमारे दृष्टि से देखा जाए, हमारे साइड से देखा जाए, तो वे आ करके कुछ लीला करना चाहते हैं जिसको सुन करके व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए। तो भगवान हमको भक्ति में लाने के लिए, हम अपने हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान के योजना का सम्मान करना चाहिए। जगदीश्वर सारे संसार का जो ईश्वर है, जिस प्लान को लेकर के आ रहा है, तो उसके पक्ष में हमको रहना चाहिए। यदि विपक्ष में जाते हैं तो बहुत भारी दोष होता है। भगवान भक्ति की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें, समय निकाल करके उनको सुने, उनको बोले। यदि सुबह शाम में कोई भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन करता है तो दुख ग्रामा विमुच्यते, कितना हो दुख हो, किसी प्रकार का दुख हो, उससे मुक्त हो जाता है। और इन बातों पर विचार करना चाहिए और भगवान के प्रयोजन के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। यही जन्माष्टमी का संदेश है। हरे कृष्ण।